नमस्कार दोस्तों, एक नई अपडेट आपके सामने आ चुकी है आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड से संबंधित। जैसा कि ये न्यूज़ आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज होता है कि आपको दिखाएं, तो चलिए देखते हैं। एनटीपीसी एडमिट कार्ड को लेकर के रेलवे बोर्ड ने बहुत बड़ा एक ऐलान किया है कि परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाना होगा। रीजन मतलब जान रहे हैं, जैसे आप इलाहाबाद से हैं तो एनसीआर, मतलब कौन से क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, नई दिल्ली आरआरबी एनटीपीसी के उम्मीदवार परीक्षा की तारीख, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड यानी कि आरआरबी एडमिट कार्ड सर्च कर रहे हैं। रेलवे में एनटीपीसी के पदों पर होने वाली भर्ती में अभी समय है। रेलवे भर्ती बोर्ड के प्रकोष्ठ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं की गई है। बोर्ड अन्य भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने का काम कर रहा है, ऐसे में एनटीपीसी परीक्षा में अभी समय है, मतलब अभी निश्चित नहीं है। परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, डेट, डिटेल और केंद्र की जानकारी जारी होने के बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षा का एडमिट कार्ड हमेशा की तरह 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। बता दें कि रेलवे बोर्ड एनटीपीसी की तहत जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेनी क्लर्क, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड्स समेत विभिन्न पदों पर भर्ती करेगा। कुल 35,277 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ये था यहाँ पर जो आपने देखा, आरआरबी एनटीपीसी का पैटर्न हम आपको दिखा दें। सीबीटी फर्स्ट पेपर जनरल अवेयरेंस से 40 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 अंकों के सवाल होंगे, गणित से 30 अंक के सवाल आएंगे। परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। परीक्षा का पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 120 मिनट मिलेंगे। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में देख लें। उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक को क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें। एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिए। तो ये थी अपडेट जो आपने देख लिया। इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप खुद भी देख सकते हैं। फिलहाल तो अब आप समझ गए होंगे एक बात, तो जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड पर बड़ा ऐलान हो चुका है कि एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं होगा, क्योंकि अभी रेलवे जो है वो बिजी है दूसरे परीक्षाओं में, और जल्दी ही एडमिट कार्ड रेलवे जारी करेगा इसका ऐलान अधिकारियों ने कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही इस अपडेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को देखने के लिए। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि उनका भी धैर्य बना रहे, जो लोग आरआरबी परीक्षा के लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, उनका कट ऑफ मेरिट बीकॉम का जारी हो चुका है, जो कि चैनल पर अपलोड कर दिया गया, आप उसे देख सकते हो। कम्युनिटी टैब में भी आपको उसके बारे में वीडियो पोस्ट कर दिया गया, वहां से भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी क्लास आपकी समय अनुसार होती हैं। आरआरबी एनटीपीसी की क्लास आपकी रात्रि 8:30 बजे से हो रही है। दोस्तों, प्रयागराज में बीएफएनएल की केबल में कुछ समस्या होने की वजह से 1-2 दिन से आपकी क्लास जो है वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये समस्या लगभग दूर हो चुकी है और आपकी अब 8:30 बजे की क्लास मंडे से होने लगेगी, जिसमें आप रेलवे की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं स्पेशल मैथ के लिए। बहुत